हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, सभी टॉपिक को ट्रिक से याद करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियों के बारे में, और दोस्तों उसको हम ट्रिक से याद करेंगे कि हॉकी से संबंधित कौन से कप और ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिक बता दूं कि वो ट्रिक क्या है। ट्रिक जो है हमारा आरडी बर्मन है। दोस्तों, आपको आरडी बर्मन के बारे में पता होगा। आरडी बर्मन जो है बहुत बड़े म्यूजिशियन डायरेक्टर थे और उनकी मृत्यु 1994 में हो गई है। बट आज आरडी बर्मन की वजह से आप हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियों को देखिए कैसे याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आर से जो हमारा हो जाएगा रंगा स्वामी कप हो जाएगा, जो हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल में दिया जाता है। दूसरा डी है तो ध्यानचंद ट्रॉफी। तीसरा बी से बेगम रसूल बहम कप, ये भी हॉकी में दिया जाता है। चौथा ए है तो आगा खा कप। पांचवा आर से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी। छठवां है एम, तो एम से हो जाएगा मरुगप्पा कप। सातवां है ए तो अजलान शाह कप, और एन से हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी। देखिए, आरडी बर्मन से आपके 8 ट्रॉफियां दी जाती हैं हॉकी में, तो 8 ट्रॉफी का नाम आ गया आरडी बर्मन। आप नाम अगर याद कर लेंगे तो मतलब हॉकी के साथ आप आरडी बर्मन का भी नाम साथ में याद कर लीजिए, और इसी अगर 8 नाम से आप 8 ट्रॉफी का नाम याद कर लेंगे। अब देखिए, नेहरू ट्रॉफी में लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि नेहरू ट्रॉफी के हॉकी में भी दिया जाता है, बास्केटबॉल में भी दिया जाता है, और उसमें फुटबॉल में भी दिया जाता है, लेकिन अंतर होता है नेहरू ट्रॉफी में। केवल नेहरू ट्रॉफी हॉकी में दिया जाता है, और नेहरू कप जो है वो बास्केटबॉल में दिया जाता है, और नेहरू गोल्डन कप जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। यही डिफरेंस है इन तीनों में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड।